सब्सक्राइब करिए इरफान तंत्र चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हो इरफान तंत्र चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इमो के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। इमो के कुछ एड ऑन फ्यूचर्स हैं। जो इमो न्यू वर्जन आई है वीटा वर्जन में, जो वीटा सॉफ्टवेयर जिसने डाउनलोड नहीं किया है तो वो वीटा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें और वीटा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको एक्टिवेट कर लें, उसमें अपना नंबर वगैरह डाल दें, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यू फंक्शन आए हैं। आप यूज़र नेम डाल सकते हो, उसके बाद आपने जैसे आपका कोई यूज़र आईडी है, आप इस तरह के यूज़र नेम डाल के आपने किसी दोस्त को या किसी को शेयर करना चाहते हो तो विदाउट नंबर आप अपने यूज़र नेम दे के इमो पे ज्वाइन हो सकते हो। तो उसके बाद कुछ और एड इन फंक्शन हैं, फ्यूचर्स हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चले शुरू करते हैं। कब मम्मी डैडी मेरे तू पटाएगा, लेके बैंड बाजा घर मेरे आएगा। कब मम्मी डैडी मेरे तू पटाएगा, लेके बैंड बाजा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्ले स्टोर को खोल लेते हैं और इसके बाद हम इमो बीटा सर्च करते हैं। और मैंने ये सर्च करके रखा है और यहाँ पे मेरे को ओपन आ रहा है और मैंने इसको डाउनलोड भी कर लिया है। आप यहाँ आके इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप सीधा मैनुअल में आ जाएंगे और आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर चैट्स है, कॉन्टैक्ट्स है, नीचे आपको मिलेगा सर्च बार, मिलेगा कॉल्स, मिलेगा और मिलेगा आपको यहाँ पे कैमरा, मिलेगा होम बटन, मिलेगा उसके बाद आपको मिलेगा ओपन बार। ओपन बार में आपको मिलेगा सेटिंग्स, मिलेगा स्टेटस, मिलेगा ये स्टेटस का नया आया वर्जन, क्योंकि ये स्टेटस जो है आपको जो है बीटा वर्जन में मिलेगा, उसमें नहीं। क्योंकि ये जो मैंने ऊपर स्टेटस लिखा है, आज फिर तेरी याद आई, ये एक स्टेटस आप जो है व्हाट्सएप की तरह इसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ और दोस्तों को ऐड कर सकते हैं सर्च करके, और किसी दूसरे की कंटेक्ट से भी ऐड कर सकते हैं। प्रीमियम रेडियोस एंड डाउनलोडिंग, और नीचे के लास्ट में मैचिंग्स का बटन है, ये आपको नया आया है। तो हम सबसे पहले आप रेडियो, तो आप सबको पता है आप रेडियो सर्च करके इसमें रेडियो भी खोल सकते हैं और हम प्रीमियम को खोलते हैं। ये प्रीमियम नंबर है, आप इसको नो एड्स ऑन इमो और 25 GB तक आप खरीद सकते हैं। उसके बाद और आगे भी आपको मिल सकता है डेटा। ये आपको यहाँ पे हमारे सऊदी अरब में आपको ये मिलेगा 4 रियाल के करीब, यानी कि 3.89 रियाल का मिलेगा। तो उसके बाद इसको यहाँ से अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको यहाँ इसको बिल पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, नीचे जो इसका ये आ रहा है बी पार्टेटिंग मैचिंग, इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ आप ऊपर सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में यहाँ आप अपने नाम लिखे और अपनी एज लिखे और आप क्या चाहते हो वो लिखें। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है इरफान तंत्र, अपना नाम और एज 25 साल और मैं मेल हूँ। और लुकिंग फॉर, ये कहता है आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या देखना चाहते हो, तो मैं लिखा है फीमेल। जैसे कि आप देखना चाहते हो फीमेल, अगर आप मेल देखना चाहते हो फीमेल यहाँ, तो उसके बाद आप अवेलेबल हैं और अपना फ़ोटो करके यहाँ डन कर दो। उसके बाद ये आपको यहाँ पर आते जाएंगे, ये यस करते जाओ आप। अगर आपको जो आपकी एज के मुताबिक जो आपकी एज है तो आप इसको यस करके मैसेज भेज सकते हो। जैसे ही मैं मैसेज भेज दिया तो फिर बैक साइड आता हूँ, फिर ये इसको आगे से हम कोई भी ढूंढ के, ये एक नया फंक्शन आया है, इसमें आप कहीं से भी फ्रेंड ढूंढ के, और ये लेडीज़, जैसे कि आप गर्ल्स फीमेल वहाँ पर डाले हो तो आपको फीमेल्स ही मिलेंगे, तो आप फीमेल्स को यहाँ से ढूँढ सकते हो। ये बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होगा, हो सकता है कई सारे लोगों को पता हो लेकिन कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये मैं इसलिए आपको बता दिया। ये एक बहुत ही अच्छा और मस्त फ्यूचर है। और उसके बाद जो ऐड इन कॉन्टैक्ट्स की बात कर रहा था, तो ये सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में जाने के बाद आप सीधा नीचे आ जाओ, ये आप यूज़र नेम, जैसे कि मैंने इरफान तंत्री 03 के नाम से मेरा यूज़र नेम है, मैंने इसमें डाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम डाल सकते हो और आप अपने दोस्त किसी को भी कॉन्टैक्ट किया, उसको वो चाहता है कि आपके साथ इमो पे ज्वाइन होना चाहे,
तो आप उसको अपना ये नंबर दो, नंबर मत दो, आप अपना ये यूज़र नेम दो उसको, बोलो इस पे सर्च करो, तो वो आपको सर्च होके वहाँ पे आपको ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स मैं नीचे जो प्रविजी है, हम प्रविजी खोल लेते हैं। प्रविजी में ये रियल टाइम चार्ट आ गया, लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो, रीड रिसिप्ट, यानी कि इसमें दिखाया आप लास्ट सीन, जो आपका लास्ट सीन हर कोई देख लेता है कितने बजे इमो पे आया था, तो वो अगर आप चाहो अपने कॉन्टेक्ट को कर सकते हो, या एवरीबॉडी को कर सकते हो, या नोबॉडी को, मैं तो यह नोबॉडी को करना कर रहा हूँ क्योंकि फिलहाल मेरा तो नोबॉडी है। उसके बाद आपका फोटो आ गया, आप फोटो आम कॉन्टेक्ट सारे कॉन्टेक्टों को कर सकते हो, या आप चाहते हो कि आप सिर्फ आपने सेव कॉन्टेक्ट में रखें तो वो भी कर सकते हो, या आप चाहते हो कि नोबॉडी किसी को नहीं दिखाना चाहते, आप एक प्राइवेसी रखाना चाहते हो तो आप नोबॉडी कर सकते हो। मैंने तो फिलहाल यहाँ पे एवरीवन रख दिया है। उसके बाद रीड रिसिप्ट, ये जो है इसमें जो है रीड रिसिप्ट, इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं वो आपका मैसेज देखता रहता है कि आप किसका टाइप कर रहे हो, आप गलत टाइप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, वो देख के अगर आप गलत कर रहे हो वो आप पे हंसेगा, बोलेगा आप किस तरह की टाइपिंग कर रहे हो। इस तरह आप चाहते हैं कि आपकी कॉन्टेक्ट, आपकी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप बीच में मिस्टेक कर देते हैं, तो आप इसको नो बॉडी पे कर सकते हैं। मैंने तो माई कॉन्टेक्ट में रखा है, लेकिन आप इसको नो बॉडी में भी कर सकते हैं, और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आप दिखाना चाहते हैं अपना हुनर किसी को, तो आप एवरी वन पे भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी टाइपिंग ना देखे तो आप इसको नो बॉडी में सेव कर दे। फ्रेंड्स ये थे इमो की आइडन फीचर। उसके बाद तो इमो अकाउंट चेंज करने का है, अगर आपको, अगर आप चाहते हैं कि इमो का अकाउंट चेंज करें, तो आम सारे लोगों को पता नहीं है कि इमो का अकाउंट कैसे चेंज करते हैं। ये ऊपर प्रोफाइल पिक्चर तो हर कोई कर लेता है, उसके बाद ये नंबर चेंज करने का, और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालो, जो आपका पहला नंबर है वो डालो, उसके बाद नंबर डालने के बाद अपना दूसरा नंबर डालो, तो आपका नंबर चेंज हो जाएगा। अगर आप अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए ये अकाउंट, तो आप इसको ऑलरेडी नंबर डाल के डिलीट भी कर सकते हो। अगर रिक्वेस्ट नेम चेंज करने की करोगे तो यहाँ पर आप जो है अपनी नेम भी चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स आज की वीडियो ये थी, आज की वीडियो में इतना ही है, और आपको मेरी इस वीडियो को सुनकर अच्छा लगा होगा, देख के अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें फ्रेंड्स, और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोस को लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और कमेंट भी करना। फ्रेंड्स अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें यूट्यूब में नया आया हूँ और मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी वीडियो तो नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले, और टेक्निकल के बारे में, न्यूज़ के बारे में, लोकल न्यूज़ के बारे में, टेक्निकल न्यूज़ के बारे में, मोबाइल सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। फ्रेंड्स उससे पहले आप दीजिए मेरी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।